मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का, सब्सक्राइबर्स का और जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं राशिफल 13 मई सोमवार का दे रहा हूं और आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि जानकी नवमी है। जिस प्रकार रामनवमी को बहुत शुभ फलदायक के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी भी बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु तो माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। सीता नवमी के दिन वे धरा पर अवतरित हुई, इस कारण इस सौभाग्यशाली दिन को हम माता सीता की पूजा के रूप में प्रभु श्री राम के चरणों में प्रभु श्री राम के साथ करते हैं और उन पर भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज चंद्रमा की बात करें तो मघर नक्षत्र के सिंह राशि में सुबह 10:26 और फिर सिंह राशि में लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आज दोपहर को 3:20 तक रहेगी और शुभ दिन तो है ही है, लेकिन ग्रहों से बनने वाले विशेष राज्य भी आप आज लाभ देंगे, लक्ष्मी नारायण योग और बुध आदित्य योग। वहीं केमद्रुम दोष आज पूरे दिन रहेगा। आज के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई मीटिंग करनी है, तो ये बहुत सारे लोग इसे अपनाते हैं। जब मुझसे पर्सनली लोग मिलते हैं तब कहते हैं ऐसे तो पता नहीं लगता है, कमेंट्स में कुछ लोग लिखते जरूर हैं लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और सुखी भी है। उसके बाद सुबह 10:00 से 11:00 के बीच में या शाम को 5 से 7 के बीच में कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह 7:30 से 9 तक राहु काल के समय इन सब कामों का नहीं किया जाए। मैं 17 और 18 तारीख को राजकोट में रहूँगा और 18 तारीख को मैं मुंबई चला जाऊँगा, वहीं पर मैं मिलूँगा। 19 तारीख को मैं दिन भर अहमदाबाद में रहूँगा, पहले मेरा 20 तारीख का था अब 19 तारीख हो गया है। आप अगर भारत से बाहर रहते हैं 24 और 25 तारीख को मैं काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ की धरती पर रहूँगा। उसके बाद मैं हिंदुस्तान से बाहर 1 से लेकर 13 जून तक यूएसए में रहूँगा। 14 से 20 जून तक मैं इंग्लैंड में रहूँगा। इसमें डिफरेंट सिटीज़ में मेरा प्रोग्राम रहेगा। जैसे जैसे कार्यक्रम नज़दीक जाएगा मैं तफसील से आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लें, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। कष्ट और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं, इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए और हर हाल में इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। और हर माता पिता को प्रेयर में यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को कष्ट और संकट ना मिले। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि इसे ये मिलना चाहिए तो आप उससे बाहर निकलने की शक्ति मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जरूर प्रदान करिएगा। आज के कार्यक्रम के अंत में आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। पहला तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब। सुख सौभाग्य सूत्र में बात करेंगे कि पूजा घर किस दिशा में हो और उसके अंदर कौन सी मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही आज के अंत में कार्यक्रम के अंत में 4 सब्सक्राइबर की भेजी गई समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। आज के ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य बुध और शुक्र तीनों ही मेष राशि में रहेंगे, राहु और मंगल दोनों मिथुन राशि में रहेंगे, चंद्रमा अकेले सिंह राशि में रहेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में, चंद्रमा से चौथे गुरु होने से आज गज केसरी योग भी बनेगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग में कहना भूल गया था लेकिन इस तरीके से मुझे बताना था। शनि और केतु का श्रापित दोष रहेगा, इसी से मैंने आपका राशिफल तैयार किया जिसे आप अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है वैसे ही इसे देखें। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना ज़्यादातर ध्यान आप जिस फील्ड में हैं या फील्ड में नहीं भी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर में महिला है जो घर का पूरा घर को मंदिर बनाने का काम करती है, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। बिजनेस में रुका हुआ धन, रुका हुआ काम पूरा होने के रिलेटेड, कार्य पूर्ण होने की तरफ आपको लेकर जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा दिन है, सफल होंगे आप। वर्क प्लेस पर आज आपके ज़रूरी काम समय से निपट जाएंगे। अगर आप समय से पहले ही ऑफिस जाते हैं और प्लान्ड वे में काम करते हैं, डिसिप्लिन, काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी खत्म हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ आज आप ऐसा कुछ काम करें कि जिससे एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में आपको और आसपास के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैरिटल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप में आज आप उलझे हुए मामले सुलझाने में काफ़ी तक सफल होंगे और आपको सॉरी भी फील होगा और थैंक यू भी बोलेंगे। स्टूडेंट अध्ययन में स्वयं पर विश्वास रखें, कठिन परिश्रम करें, उसके नंबर इतने ज़्यादा गए मेरे तो आएंगे, मेरे तो आ ही नहीं सकते हैं, ये सब निकालिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का आज अपना ज़्यादातर ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ होना चाहिए। गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पहले सुख देती है और उसके बाद धीरे धीरे वो सुख खत्म होने लगता है। जैसे एक इंसान ने बाइक ली
पहले 2-4-5-10 दिन वो ताड़ी भी साफ करता है, चक्का भी चमकाएगा, पॉलिश करेगा चक्के को भी, और बिल्कुल उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ध्यान अलग तरीके से उसको पार करेगा। और कुछ टाइम के बाद वो सिर्फ सीट साफ करता है ताकि आपके कपड़े न खराब हो जाए। कहाँ गई खुशी? खुशी मिलते ही कम होने लग जाती है। गाड़ी पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि गाड़ी आपको धोखा दे सकती है, नई गाड़ी लेना है तो ध्यान दीजिए। वैसे मैंने आपको मई माह के मंत्री राशिफल में बताया था कि 13 मई को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति आपको दे दे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आप अपना और अपनों का ख्याल कूल रहकर रिलैक्स माइंड में डिसीजन लेकर फिर करें। बिजनेस में आ रहे आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से दिन भर व्यस्तता रहेगी और पैसों के मामले में किसी तरह का संकोच मत करिएगा। पैसे कमाने में भी जो निडरता दिखानी और खर्च करना है सही लगता है तो करिए। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग कम मिलेगा। आज बहुत सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा काम मिल जाए, लेकिन कामकाज से बिल्कुल भी ना घबराएं। एम्प्लॉयज के कार्यों में देरी होने से परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। समय पर कार्य करने की हाई कमांड का प्रेशर आ सकता है। स्टूडेंट किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाएं तो वाहन के उपयोग में सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन और वाहन चलाने में भी, दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में आप अपनी बातों को मनाने के प्रयास में विफल हो सकते हैं, इसलिए अगले की बात सुनिए, समझिए, थोड़ी थोड़ी मनाने की कोशिश कीजिए। पुराने रोगों से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा, सेहत में सुधार होगा। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को अपनी उम्र से छोटी महिला, बहन, बेटी, इनका ध्यान रखना चाहिए और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करें। बिजनेस में आज आप लेन देन और निवेश में आपको किस्मत का साथ मिलेगा, आप किस्मतवान इंसान हैं। कर्ज चुकाने में आज आपको मदद मिलेगी, चुका भी सकते हैं। ऑफिस में आज आपको सभी का साथ पूरा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको सबका साथ जरूर देना है। एम्प्लॉयज की आज घर और ऑफिस दोनों जगह पर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में आज आपको महत्व की बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। स्टूडेंट को अध्ययन से जुड़े हुए कुछ मामलों पर विचार जरूर करना चाहिए। पेरेंट्स से पूरी मदद मिलेगी। बहन या किसी खास व्यक्ति की सेहत डिस्टर्ब होने से आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है लाइफ में, लेकिन वैसा डिस्टर्बेंस होने दीजिए, उसकी तबीयत ठीक करनी जरूरी है। लकी कलर लेमन येलो, नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, कोई तकलीफ है तो उसे दूर करिए। व्यापार में आज किसी टेंडर या किसी ऑर्डर के मिलने से खुशी मिलेगी, लेकिन आप कोई लेट लतीफी आलस्य मत करिएगा। सावधान रहें, आपको कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जो आपको पहले नहीं हुए थे। वर्क प्लेस पर रोजमर्रा के कामकाज से आपकी उलझनें बढ़ सकती है। एम्प्लॉयज को कुछ मामले में परेशानी जरूर रहेगी, वो हो सकता है आपकी खुद की वजह से हो। जीवन साथी और रिलेटिव के साथ समझदारी और उदारता से पेश आना चाहिए। वाद और विवाद से बिल्कुल किनारा कर लीजिए, संबंधों में इस वजह से हताश आ सकती है। स्टूडेंट को नशा रहेगा पढ़ने का और जो विषय चुना है उसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, लग जाइए काम पे। पुराने रोग अब खत्म होने के गगार पर है, छुटपुट रह सकता है। लकी कलर मैरून, नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज एक नज़र अपने शरीर और अपने मन पर दीजिए कि कहीं इसमें कोई तकलीफ तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो इसको ठीक करने के लिए आज एक रिसर्च आपको करनी चाहिए। बिजनेस में कुछ हद तक रुकावटें आ सकती है, कोई पैसा फंसाना, नुकसान और धोखे की संभावनाएं बना रहा है। पुराने किसी तकलीफ से आज आपको धोखा मिल सकता है, सचेत रहें। एम्प्लॉयज पर चुनावी माहौल का प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप में कोई खास बात तूल पकड़ सकती है। स्टूडेंट फैमिली में बन रहे माहौल के कारण अध्ययन में दिक्कत महसूस करेंगे, गर्मी जनित बीमारियों से थोड़े परेशान रहेंगे। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को आज अपने लीगल कॉम्प्लिकेशन की तरफ एक विचार करना चाहिए। अगर वो पहले से चल रहे हैं लीगल कॉम्प्लिकेशन तो आप उस पर ध्यान दीजिए, और अगर आ सकता है आपको ऐसा लगता है तो उस पर पहले से निस्तारण करिए। वैसे मैंने आपको मई माह का मंत्री राशिफल जो मैं अलग से देता हूं उसमें कहा था कि 13 मई को चंद्रमा आपके बाहर में रहेंगे यानी नाश भाव में, जो आपकी खुद की वजह से या किसी और की वजह से आपको मानसिक अशांति में डाल सकता है। और अगर आज ऐसा होता है तो आप अपना ध्यान कूल रहकर रखें, अपना और अपनों का भी ध्यान रखें, और साथ में डिसीजन रिलैक्स रहकर कूल माइंड में लीजिए। बिजनेस में कामकाज में एकाग्रता न होने से आपके ऑर्डर निकल सकते हैं, झुंझलाहट बढ़ सकती है, दूसरों पर गुस्सा निकालोगे। गुस्सा खुद पर निकालिए, जैसे एक एथलीट खेलता है या कोई खिलाड़ी खेलता है तो खुद पर गुस्सा निकालता है। साथ ही आपके फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आज आपको दिखावा करने से बचना चाहिए। भविष्य को लेकर आपकी हल्की सी मानसिक तनाव बढ़ सकता है और एक अननोन फियर परेशान करेगा।
एम्प्लॉयज पर आसपास का भी प्रेशर बना रहेगा। प्लान सही ढंग से बनाएं और अपनी कमियों को खुद दूर करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में आपको स्वयं से जुड़ी हुई कुछ बातों पर परेशानी हो सकती है। आप अगर किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी को आप झूठे आश्वासन दे रहे हैं तो उसे बचना चाहिए। स्टूडेंट, आप जल्दीबाजी में कॉलेज के असाइनमेंट को पूरा करने में ढेरों गलतियां कर सकते हैं, पढ़ाई करने में कोई गलती कर सकते हैं, सब्जेक्ट चुनने में भी गलती कर सकते हैं। धीरज, धैर्य और संयम से काम लीजिए। पेट का रोग तकलीफ परेशान कर सकती है। लकी कलर रेड, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को अपनी उम्र से बड़ी महिला पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बड़ी बहन पर। और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम छोटे लोग, छोटे बच्चे घर में ज़्यादा काम करते हैं या करवाया जाता है, तो आपको भी यही सोचना चाहिए कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है और आपके मन में इसका विचार भी आएगा, जिससे आप, जिसका असर आपके जीवन पर सुखद भी पड़ सकता है। लेकिन वर्क प्लेस पर सोच समझ के व्यवहार करना, सोच समझ के एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, बातचीत करना अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयज़ को अपने साथ होने वाली कुछ घटनाओं का पूर्वाभास भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ ज़रूरी मामलों में सफलता मिलने से आपको खुशी मिलेगी और इसका ठिकाना भी नहीं रहेगा। स्टूडेंट को अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से मदद भी मिल सकती है। शरीर में हल्का दर्द परेशान करेगा। लकी कलर आपका ब्राउन, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपनी जेब में जिससे पैसा आता है, जिससे इनकम होती है, आजीविका होती है, उस पर पूरा विचार करना चाहिए कि मैं कैसे अपने इनकम को बढ़ाऊं। बिजनेस में आज आप संतान के साथ बिजी स्केड्यूल में व्यस्त रहेंगे। अगर आपके संतान और पत्नी आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है तो आज एक बेहतर आपकी प्लानिंग हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। रुके हुए जरूरी काम काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। एम्प्लॉयज को दोस्तों की वजह से बहुत बड़ी मदद मिल सकती है और उससे अच्छा फील भी होगा। साथ ही आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर भी सकते हैं। स्टूडेंट, आज आप ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आप बहुत बड़ा कोई मुसीबत थी या पुराना कोई काम था, उसे निपटाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। बढ़िया पानी पिए और लस्सी पिए, छाछ पिए, नींबू की सिकंजी पिए, इससे लाभ मिलेगा। लकी कलर गोल्डन, नंबर 6 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को आज अपने मोबाइल को सुबह सुबह देखना चाहिए, जो आप देखते भी होंगे। उसमें बहुत सारे ज्ञान के मैसेजेज आते हैं, एक को सेलेक्ट करिए और दिन भर उसके हिसाब से बिताइए, बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस में किए गए कार्य और आप द्वारा की गई कोशिश को बहुत अच्छे लाभ की तरफ ले जाया जा सकता है। ऑफिस में आप गुप्त रूप से चलने वाली गतिविधियां, आपके खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश आप कर लेंगे। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप सावधान रहकर काम करोगे तो दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। एम्प्लॉयज को नई और पुरानी योजनाओं में कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है। आप अपनी पुनर्विचार याचिका खुद दर्ज करें कि मैं पुनर्विचार करूं अपनी योजनाओं पर। कुछ काम अधूरे रह सकते हैं और सारे काम तो किसी के पूरे होने वाले वैसे भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में कुछ बाधा और रुकावट आ सकती है, लेकिन बस साइलेंट मोड में आज रखिएगा, साइलेंट से ही सारे काम हो जाएंगे। समय आपको बर्बाद आज नहीं करना है। स्टूडेंट की विषय विशेष की वजह से अध्ययन ज़्यादा करेंगे और उलझने कम हो जाएगी। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों के लिए आज परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। इंजरी की संभावना हल्की सी है, प्रैक्टिस संभल के करें। और लकी कलर ग्रे, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को अगर आज आने वाला टाइम को यात्रा करनी है तो उसकी प्लानिंग आज की जाए। टिकट बनाइए, होटल बुकिंग कराइए, जो आपकी यात्रा में चीज़ें होती है उसको आज पूरा मैनेज करिए। वैसे मैंने आपको मई मंथ का राशिफल जो मैं अलग से देता हूँ उसमें बताया था कि 13 मई को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कोई मानसिक अशांति आपको दे दे। और अगर ऐसा होता है तो आप रिलैक्स मोड में रहकर अपना और अपनों का ख्याल रखें। बिजनेस में विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। किसी काम में अति बिल्कुल न करें और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना आए। नौकरी में बदलाव संभव है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खर्चों में कटौती करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। एम्प्लॉयज दोहरे विचारों को लेकर काम में मन नहीं लगने से थोड़े परेशान जरूर होंगे। खास मामलों में फैसले करना आपके लिए कठिन हो सकता है। जीवन साथी और रिलेशनशिप में किसी यात्रा और कुछ अच्छे रोमांटिक पलों की यात्रा हो सकती है और आज आपको बहुत अच्छा फील होगा। शाम के समय पढ़ाई में मन कम लगेगा। कोई ना कोई चिंता परेशान कर सकती है। तनाव, मानसिक तनाव की वजह से स्वास्थ्य मानसिक रूप से गड़बड़ हो सकता है। लकी कलर आपका ग्रीन, नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को आज अपने व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप अगर व्यापार नहीं करते, नौकरी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क है उसको ढंग से करने की कोशिश करें, उसी पर एक विचार दौड़ाते रहिए।
बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर शेयर सट्टे और किसी ऐसी जगह पर पैसा गंवा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आप बेहतर योजना बनाएं और काम करें, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एम्प्लॉयज चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए टीका टिप्पणी करने से बचें। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप में आज अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मजा आ जाएगा आपको। तोल बोल के बोल कई जगह पर जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मेहनत आज करनी चाहिए। नींद की कमी और थकान परेशान कर सकती है। आंखों में जलन या आंखों की कोई तकलीफ हो सकती है। लकी कलर व्हाइट, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके शरीर में मन में कोई बीमारी चल रही है उस पर एक विचार करें, उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करें। आज बिजनेस में आज आप किसी के साथ फालतू समय खर्च कर सकते हैं। आज टाइम वेस्ट करोगे तो सब वेस्ट होगा, मजा कुछ नहीं आएगा। और थोड़ा थोड़ा गैप लेकर कुछ टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। ऑफिस में भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आलस्य से आज आया हुआ कोई अवसर निकल सकता है। एम्प्लॉयज किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। काम काज ज़्यादा रहेगा, होने दीजिए ज़्यादा। ज़्यादा काम काज है कहाँ आजकल किसी के पास। जीवन साथी और रिलेशनशिप में भावनात्मक जुड़ाव में भी कठिनाई महसूस हो सकती है। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। अब अगर आप ये समझते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, आपको किसी प्रकार का एडमिन सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं और एग्जाम भी देते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। और ऐसी बहुत सारी नौकरी आज की तारीख में पेंडिंग है। नई सरकार बनेगी तब क्या पता वो करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके सफलता के चांस को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयोग बता रहा हूं जो आज सुबह आपको करना चाहिए, यानी 13 तारीख की सुबह। परीक्षा में जब भी आप जाएं उससे पहले तो आप करें, लेकिन आज भी ये प्रयोग करना है कि स्नान करें, हनुमान जी को गुड़ और चने या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं या तीनों का ही प्रसाद चढ़ाएं, और उसे करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि मुझे परीक्षा सफल बनाने में मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरी स्मरण शक्ति को भी मजबूत करें। यह आपको गणेश जी और हनुमान जी, स्पेशली हनुमान जी को प्रसाद लगाते हुए आपको कल मतलब अभी भी करना चाहिए 13 तारीख को, जिस दिन आपका इंटरव्यू है या पढ़ाई करने एग्जाम देने जा रहे उस दिन भी आपको ये करना चाहिए। सुख सौभाग्य सूत्र में बात करते हैं कि पूजा घर में मूर्ति किसकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हम जो मूर्ति है वो कुछ लोग 12 इंच के बना देते हैं, मंदिर में जितनी बड़ी मूर्ति होती है उतनी मूर्ति घर के अंदर विराजमान कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 या 8 इंच, उससे ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए जो आपके इष्ट देवता हैं। जैसे मेरे खुद के घर के मंदिर में मैंने राम दरबार है, शिवलिंग है जो कि चांदी का मेरे पिताजी ने बना कर दिया, तो उस पर हम अभिषेक करते हैं। लड्डू गोपाल भी है, गणेश जी भी है, हनुमान जी भी है और भी भगवान हैं, तो उन सब की देवी माँ की भी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो यह सब कुछ है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए 10-11 इंच मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 2-3 फीट की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है उसी में ही अपने घर का मंदिर होना चाहिए, और इस मंदिर में जहाँ मूर्ति रखी होती है उस जगह पर अपने पूर्वजों की तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे कुछ लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा था जो मैंने कार ड्राइव करते हुए वीडियो किया था, मतदान आओ कार ड्राइव करते मतदान करें, ऐसा कुछ उसमें सेंटेंस था, तो उसमें मेरे मंदिर के अंदर मैंने जिस दिशा में अपने पूर्वजों की मूर्ति लगाई है, माफ़ करेगा जो तस्वीर लगाई वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जहाँ मंदिर है वहाँ नहीं लगाने चाहिए। अब 4 लोगों की समस्याओं का समाधान मैं रोज़ करता हूँ, उनमें से आज हैं पहले शिवेंद्र जायसवाल। मैं काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, कब तक लगेगी? अभी सरकारी नौकरी की बात की और प्रश्न ही सरकारी नौकरी का है। पहली बात तो शश योग है आपकी कुंडली में, बड़ा राजयोग है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग है। योग तो भाई साहब आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, और नवमांश कुंडली में भी सूर्य शनि का परिवर्तन राजयोग है। दशा भी आपको मंगल की परफेक्ट चल रही है। 16 जून 2019 से लेकर 25 जुलाई 2020 तक, यानी ये 1 साल आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं। वीक पॉइंट आपकी कुंडली में वो बड़ा वीक पॉइंट है, वो है राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष और करियर हाउस पाप कर्तरी दोष में, और 7.5 भी चल रही है। तकरीबन आपको 3.5 साल से 7.5 चल रही है, जो कि आपको 2 नवंबर 2014 से शुरू हुई थी, तो यह 4 साल से भी 4.5 साल के आसपास हो चुके हैं, 4.5 साल। तो यह आपके बनते काम को बिगाड़ती है, कुछ नंबरों से इंसान रह जाते हैं। अभी भी 1 साल का आपके पास टाइम बाकी है, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन ये 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा है।
कोशिश करें कि आप ग्रहण दोष की पूजा करवाएं और साथ में सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें। ग्रहण दोष की पूजा जरूर करवाइएगा और 5 नवंबर 2019 के बाद जब गुरु आपकी राशि धनु राशि में आ जाएंगे बहुत अच्छा 2020 आपका जा सकता है, याद रखिएगा। कीर्ति 4 अप्रैल 1992 रात को 10:30 जोधपुर, हमारी शादी को 5 साल हो गए, कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ है और हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। कीर्ति, मैं बच्चे का जवाब देने से पहले ये समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं उस टाइम में जो रिलेशनशिप बनता है और बच्चा अगर गर्भ में आता है तो बच्चा भी लड़ाई झगड़े वाला होगा, टेंशन डिप्रेशन मानसिक अशांति वाला होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप गर्भाधान का संस्कार पढ़ लीजिए। हर महिला जो गर्भ धारण करना चाहती है पहले गर्भाधान के संस्कार को ढंग से समझ ले, ढंग से पढ़ ले, उस पर रिसर्च कर ले, फिर उस पर अमल लाकर बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, अन्यथा आप देखेंगे कि बच्चे को भी रोग होते हैं, कई तरह की तकलीफ हो जाती है। आपकी आप जन्म लगन से मंगली और आपके पति भी मंगली हैं, पति को मंगल की ही दशा चल रही है और साथ में इनके शुक्र शनि की युति है जो वीक पॉइंट है आपकी कुंडली के अंदर। सप्तमेश शुक्र बनते हैं जो उच्च राशि के हैं लेकिन सूर्य के साथ अस्त है। छोटी छोटी बेकार फालतू बातों पर झगड़े आप लोग करते हैं जिसके कोई सिर है न पैर है, तो ऐसी बातों के लिए आपको सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करना चाहिए। दो कान बिल्कुल सीधे भगवान ने दिए, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। सही मूड सही टाइम देकर आपको बात करनी चाहिए, ऐसे प्रयास आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन संतान न होने का आपकी कुंडली में कोई योग नहीं, संतान 100% होगी। आपके पति की कुंडली संतान के लिए बहुत कमजोर है क्योंकि डायरेक्ट कोई भी प्लैनेट ना इनडायरेक्ट कोई देख रहा है इनकी कुंडली में, तो आपके पति की मोर्टेलिटी का टेस्ट करवाएं, साथ में शुक्राणु का टेस्ट करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि पति को थोड़ी सी तकलीफ आएगी और सबसे पहले आप लोग दोनों ही अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करें। याद रखिएगा जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कोई मेहमान भी नहीं टिकता है, देवी देवता माँ लक्ष्मी कहाँ से टिकेगी। इसलिए सुख पाने के लिए जो शांति होनी चाहिए वो हमारे भीतर है, हमारे वचन में मन में होनी चाहिए। एक रिसर्च करना चाहिए कि हम किन बातों पर झगड़ा करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा आप ऐसे ही झगड़ते रहेंगे और इसमें बच्चा पैदा हो जाएगा और वो भी जनसंख्या बढ़ने वाला बच्चा होगा। कोई खास आज क्यों नहीं चक्रवर्ती सम्राट पैदा होते हैं बताइए, आजकल क्या हो गया है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार कहीं गायब हो चुका है। इसको जरूर पढ़िएगा और सबसे पहले पति पत्नी दोनों मिलकर आपको संतान गोपाल की 90 दिनों तक साधना करनी चाहिए और पति का चेकअप जरूर करवाएं, उसके बाद ही लाभ मिलेगा, पर पहले इसको ठीक जरूर करना है। ये कपिराज, जहां तक मैं समझता हूं इनके कमेंट्स काफी आते रहते हैं, इनका ये प्रश्न होगा। और 3 सितंबर 1977 इवनिंग 7 o'clock भिवानी हरियाणा, क्या मेरा विदेश में सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं। कुंभ लगन की कुंडली है और आपकी मेष राशि है, 12th house में शनि और शुक्र विराजमान है, माफ करेगा देखते हैं, और 12th house पर ही मंगल की भी दृष्टि है, 12th house पर राहु की दृष्टि है, तो तकरीबन 4 ग्रह आपकी कुंडली में 12th house से जुड़े हुए हैं। 12th house विदेश यात्राओं को आता है जिसके चांसेस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा बनते हैं, और US, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 31 जनवरी 2020 के बाद प्रयास करने पर आप विदेश पहुँच जाएंगे। इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और मैं मुझे तो वीज़ा की आज तक ऐसी कोई ज़िंदगी में समस्या नहीं हुई है, मैं अभी तक 55 देशों की यात्राएं कर चुका हूं, लेकिन हैदराबाद के पास से मैं किसी फंक्शन में गया था तो वहां एक मंदिर है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, वह वीज़ा वाले हनुमान जी हैं, तो वह बहुत सारे लोग IT कंसल्टेंट जो IT सॉफ्टवेयर वगैरह में काम करते हैं वो अमेरिका के वीज़ा या जहां भी जाना है उसके वीज़ा के लिए एक फेरी होती है, उसको लगाना चाहिए और उससे वीज़ा मिल जाता है। आपको भी कभी ऐसी वीज़ा की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर रिसर्च करें और जाइए, और आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। हनुमान जी और शनि देव की पूजा जरूर करें, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ। मंजरी शर्मा, मेरी शादी कब तक होगी, और 4th August 1987 11 o'clock मॉर्निंग दिल्ली। कन्या लगन की देवी आपकी कुंडली है, वृश्चिक आपकी राशि है, देवताओं के गुरु बृहस्पति इस वक्त वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। 5 नवंबर 2019 तक आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। लेट होने के पीछे कारण इतना है कि आपके 7th house में राहु विराजमान है और शनि की 7.5 चल रही है, शनि चंद्रमा का विष दोष है, यानी आपका जन्म भी शनि की 7.5 में हुआ था और इस वक्त भी वही चल रही है, और शादी करवाने के कारक और मैरिटल लाइफ जो 7th house है उसके लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो मृत्यु स्थान में है, इस वजह से बनते रिश्ते बिगड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये काम तो हो गया, वह खत्म हो जाता है, अब धीरे धीरे रिश्ते आने भी कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप विष दोष की पूजा करवाएं और साथ में
माँ कात्यानी की साधना करें, विवाह बाधा निवारक साधना करें, विष दोष कवच गले में धारण करें और अब से काम पर लग जाएं। नारियल के गोटे का प्रयोग भी करें, यह सब आपको जोधपुर कार्यालय में फोन करके मिल जाएगा। और 5 नवंबर तक शादी के बहुत प्रबल योग है, उसके बाद भी हैं लेकिन तब तक बहुत ज्यादा है, तो हम आज से ही इस काम में लग जाते हैं। मैं आप सभी को हमारी मासिक पत्रिका ग्रहों का खेल के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसका लेखन और प्रकाशन मैं कई वर्षों से कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके घर में पहुंच जाइए। तो हर महीने सैकड़ों और हजारों की संख्या में इसके सदस्य बढ़ते जा रहे हैं और आप अभी तक सदस्य नहीं बने तो आप बन सकते हैं। आप उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका शानदार दिन गुजरे ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वीकेंड खत्म हो चुका है, वीकडे आज से शुरू हो गए हैं। खूब मेहनत करें, खूब लाभ कमाएं। मुझे इजाजत दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान ना तो हमारे पास होता है, ना हमारे आसपास रहने वाले लोगों के पास कोई समाधान होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ज्योतिष में किसी सही सलाह की वजह से आपकी करंट और फ्यूचर की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और पास्ट से सबक सीखा जा सकता है। इसी कड़ी में रोजाना मैं बहुत सारे कार्यक्रम देता हूं। आप लाखों दर्शक और सब्सक्राइबर्स हमारे इस ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से कई समय से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में मैं कई बार डिफरेंट सिटी और कंट्री में ट्रैवल करता हूं और वहां के जो शिष्य होते हैं, वहां के जो दर्शक होते हैं, वो मिलना चाहते हैं। इसके लिए मैं अपना स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप मई महीने में मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो तो इसी कड़ी में 18-19 मई को मैं मुंबई में रहूंगा, 17 और 18 मई को राजकोट में रहूंगा, वहीं 20 मई को अहमदाबाद और 24 मई को दिल्ली में रहूंगा, और वहीं 24 मई को ही शाम को काठमांडू में मिलूंगा और 25 तारीख को दिन भर मैं काठमांडू में मिलूंगा, और 26 मई को गुड़गांव गुरुग्राम जिसके नाम से हम जानते हैं वहां पर मैं मिलूंगा। अगर आप इन शहरों में या काठमांडू में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो इनफैक्ट कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूं यूके और यूएस आप सभी से मिलने के लिए। इसमें अगर आप मुझसे पर्सनली मिलें तो मैं 1 और 2 जून को न्यू जर्सी में रहूंगा, 3 जून को मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहूंगा, 4 और 5 जून को मैं बॉस्टन में रहूंगा, 6 जून को मैरीलैंड में रहूंगा गैदसबर्ग में, 7 जून को एटलांटा में रहूंगा और 8 जून को टेम्पा फ्लोरिडा में, और फिर मैं 9 और 10 जून को ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहूंगा, फिर 11 और 12 जून को लास वेगास में रहूंगा, 13 जून को मैं लॉस एंजलिस में रहूंगा। इसके लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं जिस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। +1 तो यूएस का कोड हुआ 347-633-7511। उसके बाद मेरा दौरा इंग्लैंड की तरफ रहेगा जिसमें 14, 15, 19 और 20 जून को मैं लंदन में रहूंगा, 16 जून को लेस्टर बर्मिंगम में रहूंगा, 17 और 18 जून को मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। ये यूके में जगह है। अगर आप वहां पर मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसका नंबर आप नोट करें 0786509426। इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग 0 को ओ बोलते हैं, इसीलिए मैंने ओ शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं भारत लौट आकर 28 और 29 जून को दिल्ली में रहूंगा और 30 जून को मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप सभी हमारे इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर स्केड्यूल आता है, वहां जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मैं आप सभी से शीघ्र मिलूंगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं।
गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।